हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड टीवी में अपने मोबाइल को किस प्रकार रिमोट बना सकते हो। तो बहुत सारे भाइयों को कमेंट आते हैं जैसे कि आपके मोबाइल में आयर ब्लास्टर नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी टीवी एंड्रॉयड टीवी है तो आप उसको अपने मोबाइल की मदद से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आपका रिमोट वर्क करता हो। ठीक है, तो आपको इस रिमोट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास एक स्मार्टफोन हो। तो चलिए तो मैं बताता हूँ कि वो प्रोसेस क्या है, तो आप इसको रिमोट किस प्रकार बना सकते हो। तो वीडियो को प्लीज एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी आपको लोगों को बताते हैं हम कि आपको किस प्रकार जो कि अपने एंड्रॉयड टीवी को रिमोट बनाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल टीवी, गूगल टीवी। तो जैसे हमने सर्च किया तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा गूगल टीवी। तो कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन है, तो आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए तो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे हमने इस ऐप को डाउनलोड किया तो यहाँ पे देख सकते हो, तो कुछ ही सेकंडों के बाद ये हमारा ऐप जो कि इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ऐप हमारा ओपन हो चुका है। तो अभी हम इसको ऐप को ओपन करते हैं और अभी आपको लाइव प्रूफ बताते हैं। तो वीडियो को प्लीज एंड तक वॉच करना। तो अभी ये ऐप हमारा ओपन होता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ओपन करते हैं इस ऐप को अभी सबसे पहले। तो जैसे हमने इस ऐप्स को ओपन किया तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से मिलेगा जैसे ये फर्स्ट टाइम ओपन करोगे। तो जैसे ही आपने इसको ओपन किया तो यहाँ पे मिलेगा एक टीवी नियर नियर बाई, टीवी नियर बाई पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अलाव आएगा, तो यहाँ पे सर्चिंग हो जाएगा। तो जो भी आपकी टीवी रहेगी स्मार्ट टीवी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो टीवी बन के आ चुका है। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, तो अभी हमारी जो टीवी है इसमें एक कोड आएगा, ठीक है, डिवाइस पेयरिंग करने के लिए। तो अभी हम एक कोड जो टीवी वाला वो मोबाइल में डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने इसमें कनेक्ट किया तो पेयरिंग करने के लिए वो कोड आ चुका है। तो इसमें डालते हैं 8A5111A और पेयर कर देते हैं। जैसे हमने पेयर किया तो यहाँ पे देखिए, तो हमारी जो टीवी है वो इसमें कनेक्ट हो चुकी है। तो ये रहा हमारा रिमोट। तो अभी हम इस रिमोट को रख देते हैं साइड में, ठीक है, तो आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम इसमें प्रेस करेंगे, जैसे हमने होम बटन दबाया तो यहाँ पे वॉल्यूम प्रेस होने लगा, ठीक है। ये दोस्तों देखिए, और होम बटन दबाता था, जैसे यहाँ पर देख सकते हो होम बटन आ चुका। तो चलिए तो अभी हम जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब खोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, YouTube खोला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube खुल चुका है। अब दोस्तों देख सकते हो आपके सामने लाइव प्रूफ चल रहे हैं सब कुछ, जो कि मोबाइल से मैं चला रहा हूँ, कंट्रोल करता हूँ। अब मान लीजिए जैसे मेरे को होम बटन प्रेस करना, तो होम बटन दबाया और यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ चुका है। आप चलते हैं मोबाइल इसकी जो टीवी की सेटिंग पे, देखिए। तो मोबाइल से आप इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हो, जो भी कंट्रोल करना है। तो इसमें एक वॉइस बोलने का आवाज है। तो चलिए तो मैं अभी टेस्टिंग करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, हेलो गूगल। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा तो यहाँ पे हेलो गूगल आ गया। तो चलिए तो अभी यूट्यूब ओपन कर दें। यूट्यूब Opening YouTube. तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने YouTube ओपन किया तो यहाँ पे हमारा YouTube ओपन हो चुका है। तो आप इजी तरीके से इसमें कनेक्ट कर सकते हो। और प्लस इसमें एक और फ्यूचर है, जो कि आप इसमें कीबोर्ड भी चला सकते हो। जो भी आपको सर्च करना हो तो आप कीबोर्ड इसमें लिख सकते हो। चलिए तो आपको कैसे करना, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज हमको सर्च करना है, यहाँ पे हम अपना चैनल ही सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं कोई भी, जैसे कि गदर टू। तो यहाँ पे देख सकते, जैसे हमने इसमें सर्च किया तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा।
तो आप जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे सर्च हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।